हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट का, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। गिवन वही लास्ट वाली कंडीशन आ गई है, तो यहाँ सबसे पहले लेट कर लें अपन, एक्स माइनस 3 की जगह एच मान लेते हैं। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच प्लस 3 हो जाएगा फर्स्ट थिंग। तो ये सेकंड लिमिट चेंज, एक्स टेंस टू अगर 3 है तो एच टेंस टू कितना होगा। देखो अगर यहाँ एक्स की जगह 3 पुट करूँ तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब आप लगा दो लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 है तो यहाँ पर एच टेंस टू कितना हुआ, 0 फर्स्ट थिंग। तो ये सेकंड थिंग, e की पावर x है तो हटनी पड़ेगी, e की पावर h प्लस 3 हो जाएगी। अब माइनस e की पावर 3 एज इट इज अपॉन x माइनस 3 की जगह हो गया h। अब क्या करें, सेपरेट करो इसको। ये हो जाएगा e की पावर h डॉट e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 अपॉन h। अब क्या करें, e की पावर 3 कॉमन निकाल लें। अगर e की पावर 3 कॉमन निकाला मैंने, आप बचा क्या मेरे पास, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ e की पावर h माइनस 1 अपॉन। अब आपको पता है इस पूरे का आंसर कितना होता है, 1। इसका मतलब e की पावर 3 इंटू 1 यानी e की पावर कितना हो गया, 3 हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट देखो सेकंड केस, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा अपन को। रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर रूट 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाओ, लॉग 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, ऊपर सॉल्व करोगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या बच गया आपके पास, फाइनली देखना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर तो एक्स और नीचे लॉग 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करें, ऊपर नीचे एक्स एक्स से डिवाइड कर दूं, यहां एक्स से डिवाइड कर देता हूं, यहां भी एक्स से डिवाइड करता हूं। अगर ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बचेगी देखना, ऊपर 1 और नीचे लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या होगा, देखो इस पूरे के अंदर लिमिट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 1 और 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ भी अगर मैं एक्स टेंस टू वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रूट। एक सेकेंड, एक्स टेंस टू 0 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 प्लस 0 इसका मतलब 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आया, यहाँ आपने लिमिट लगा दी है, इस पूरे में लिमिट लगा दी तो 0 हो गया, वो 1 हो गया, और इसमें लगा दी तो यहाँ 1 एक्स की जगह 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो हाफ आंसर आ गया है इसका, कितना आ गया है, हाफ। सो दिस इज कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 10.2। अब हमारे पास लिमिट्स का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है, बिल्कुल सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज, अब तो आपको अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाएगा, और आप आगे पीछे लेके चल रहे हो क्वेश्चंस को तो नहीं बैठेगा, इसलिए कह रहा हूँ एकदम लाइन टू लाइन किया करो सारे क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट जो है वो आपस में बिल्डअप होते रहे। पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट आगे में यूज होएगा, फिर एग्जाम्पल का कंसेप्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इस तरीके से चेन बन जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कंटिन्यूटी वाले कंसेप्ट पर। अगर आपने लिमिट आपको अच्छे से आ गया तो बता रहा हूँ कंटिन्यूटी इतना आसान है, आप खुद से निकाल लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर पर।